महाराज जी, इस सांसारिक मोह माया की दुनिया में जब हम किसी व्यक्ति विशेष से अटैच या बंधन में बन जाते हैं और उसी के साथ अपनी सुख की अनुभूति करते हैं, पर जब वही व्यक्ति विशेष हमें दुख पहुंचाता है या हमें छोड़कर चला जाता है, वो उस स्थिति में हम उस व्यक्ति विशेष को कैसे भूल पाएं और अपने मन को स्थिर रखकर भगवत जप नाम में चित्त को कैसे लगा सकते हैं महाराज जी? पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा, छोड़ दे। ऐसा कि नहीं है, फिर सांसारिक संबंधों की तो बात जान ले दो। अब मान जाओ, जब आपको पता चल गया है कि सब स्वार्थ का स्वरूप है, तो उसके लिए मत रो। अब ऐसे वर को क्या वरु जो जन्म में मर जाए, ऐसा वर वरु जुड़ लो अमर हो जाए। वो है श्री गिरधर गोपाल जी, श्री कृष्ण चंद्र मीरा जी कह रहे हैं, मेरा तो चूड़ला अमर है, मेरा सुहाग तो श्री कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए भाई हमारे पास प्रश्न का उत्तर यही है कि नाम जप करो, अपनी गलती को सुधार करो। हम गलती में फंसते चले जाते हैं और कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है, प्यार नहीं करता, जाल में फंसाता है।